जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स समझो में। और दोस्तों आज हम लोग क्लास नाइन्थ का जो फोर्थ चैप्टर है उसी से रिलेटेड आज हम लोग एक न्यूमेरिकल को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी एक कार है जो रेस्ट से क्या कर रही है, स्टार्ट कर रही है, मतलब चलना स्टार्ट कर रही है। ठीक है, एंड रोल्स डाउन अ हिल, और एक हिल पे क्या कर रही है, लुढ़क रही है विथ अ कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन। किसके साथ, तो कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन के साथ वो कार जो है वो रोल कर रही है ना हिल पे। इट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है इन 20 सेकेंड। टाइम कितना लगा है, 20 सेकेंड। ठीक है, आगे बोल रहा है कैलकुलेट इट्स एक्सीलरेशन, तो आपको क्या करना है, एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि आपको जो भी डाटा गिवन है आप उस डाटा को पहले लिखिए। देखिए क्या बोल रहा है कि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब यू क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रोल्स डाउन अ हिल विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इट ट्रेवल अ डिस्टेंस, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एस इक्वल टू कितना हो गया, 500 मीटर, और टाइम आपका कितना लिया है, तो 20 सेकेंड। ठीक है, क्या निकालना है आपको, एक्सीलरेशन निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपका एक्सीलरेशन है, और आगे बढ़ते हैं। इफ इट्स मास इज 5 मीट्रिक टन्स, अब देखिए उस कार का जो मास है वो कितना है, 5 मीट्रिक टन्स है ना। तो नेक्स्ट आगे फिर से क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में तो आपको एक्सीलरेशन निकालना है, और जो सेकंड पार्ट होगा है ना, सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट पे काम करते हैं, एक्सीलरेशन चाहिए। अब देखिए यहाँ पे यू पता है, एस पता है, टी पता है। ठीक है, तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर उसमें से हम लोग अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पे यूज कर लें तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें यू पता है, एस पता है और टी पता है। ठीक है, तो देखिए देयरफोर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमें एक्सीलरेशन निकालना है। एस हमें गिवन है कितना, 500, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, तो 0 इंटू टाइम कितना है, 20 सेकेंड, प्लस 1/2 इंटू ए इंटू 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया 500, तो ये तो आपका 0 हो गया, तो इधर आपका क्या बच रहा है, 1/2 इंटू ए इंटू 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400 है ना, तो 2 के टेबल में कट जाएगा, यानी 200, तो 500 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200A। ठीक है, तो 200A आ गया, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। ठीक ना, तो 200A, तो देयरफॉर A इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 500 अपॉन 200 है ना, तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और चलिए इसको एक बार थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं, 500 अपॉन 200, तो 2 0 कट जाएगा, तो 5 अपॉन 2, यानी कितना आ जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, फोर्स निकालना है, सेकेंड वाले पार्ट में क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। लेकिन बोल दिया कि बॉडी का जो मास है वो कितना है, 5 मेट्रिक टन है, यानी मास इक्वल टू क्या है, 5 मेट्रिक टन्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पे क्या है कि 1 मेट्रिक टन जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 1000 केजी के बराबर। ठीक है, तो 5 मेट्रिक टन दिया है, मतलब आपको अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो 5000 केजी हो जाएगा, ये आपका मास है ना। तो आगे हम लोग देते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, तो देयरफॉर एफ इक्वल टू एम ए है ना, तो एम कितना आपका, 5000 इंटू एक्सीलरेशन कितना है, 5/2, तो 2 के टेबल में अगर कट करेंगे है ना, तो आपका आ जाएगा 2 5000, यानी 2500 इंटू 5 है ना, तो 25 का 5 से करेंगे तो 125, और आपका 00 और फोर्स है तो क्या हो जाएगा, न्यूटन, यानी आपका एफ जो आया वो 125 00 न्यूटन, इतना निकल के आया। ठीक है, तो ये है आपका फोर्स एक्टिंग ऑन इट। क्लियर है, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबों को क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।